Bye.
के लोग और किसका बर्थडे यहाँ पर बताएंगे और किसका अभी बर्थडे किसका भी आज? अरे भाई क्या बात है, आज तो मशहूर मशहूर लोग यहाँ पर नजर रहे हैं। आज हमारे सर आपको बहुत जन्म की बहुत बहुत बधाई है और आपको भी आज जिसका भी बर्थडे सबको बधाई है मेरी तरफ से। कोई पता नहीं और अच्छी बात है ऐसी लोग जुड़े रहे और अच्छा लग रहा है। यहाँ पर हमारी उत्तराखंड की संस्कृति नजर आ रही है और साथ में हमारे प्रसिद्ध कलाकार तो नजर ही आ रहे हैं और साथ में हमारे ये युवा कलाकार भी है और अच्छा लगता है। और इनके जो मैन है वो सामने से वीडियो बना रहे, देखिए वीडियो बनाते रहते हैं इनकी है तो प्रमोट कर रहे हैं। तो प्रदीप चंद्र भाई यहाँ पर आए, प्रदीप चंद्र भाई क्या कह रहे हैं आज के बारे में? बस हर टॉकिंग परफॉर्मेंस यहाँ पर हम लोग सब टीम है और हमारे दो मैच हमारे किशन सिंह हरियाला जी है, उनका जन्मदिन था लेकिन पहले उन्होंने मतदान करा फिर उसके बाद उन्होंने चुनाव करा। तो यहाँ किशन सिंह हरियाला जी के बारे में बताया भैया ने, काफी अच्छी यहाँ पर है और नीरज कुमार जी भी आ गए यहाँ पर, क्या बात है। आज ये सब कुछ लोग ब्लॉग बना रहे हैं, कुछ लोग कार्यक्रम करने वाले हैं तो आज मजा ज्यादा इसी तरह से उत्तराखंड के सारे हैं, उत्तराखंड के वासी ऐसे मिलते रहने चाहिए और अच्छा लगता है इसी प्रकार से आप लोग जुड़ते हैं, एक आनंद में माहौल बन जाता है जब ये सभी आते हैं यहाँ पर। तो थैंक यू सभी लोगों का बहुत सपोर्ट यहाँ पर उत्तराखंड के निकले के तो भाई वैसे भी बहुत दूर के प्राण मारते दिल्ली के वासी छोड़ दिए उन्होंने, कभी चंडीगढ़ मार रहे हैं कभी गाँव मार रहे हैं तो यार चलिए इस प्रकार अपना साहित्य अपना खान पान देव प्रथा लोक प्रथा रीति रिवाज तमाम हमारे धरोहर की विरासत के अपने युवा पीढ़ियों तक पहुंचाने के लिए आप सभी संस्था कार्यकर्ता अध्यक्ष साहब उनकी पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद कर दूं और नमन के बात है साधुवाद की बात है। उत्तराखंड में बच्चे मेरे लगे पड़े हैं और यहाँ पर कुछ माता मेरे लगी पड़े हैं किस प्रकार से और क्या क्या एक्टिविटीज हैं और क्या क्या मेरे यहाँ पर देखते हैं और छोटा भाई बैठे हैं और यहाँ पर लिखा जा रहा है कि लकी लोग का साफ कर रहे हैं यहाँ पर पर्ची शायद बना रहे हैं किसकी बहन है देवदेली पिछोड़। अच्छा कहाँ का प्रोग्राम हो रहा है बताइए, ये प्रोग्राम कहाँ हो रहा है तो बताइए। अच्छा हो रहा है और ये उत्तराखंड बाजार, अच्छा उत्तराखंड बाजार में आए हैं, ये उत्तराखंड बाजार दिल्ली में गए तो खुल गया है हिमाचल जा रहा है। अच्छा 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 चलो बहुत बढ़िया याद है आप लोग ऐसी उत्तराखंड की चीजें की दूर दूर तक पहुंचाए यहाँ तक विदेश तक पहुंचाए है ना, ये तो अभी वहाँ पहुंचा विदेश तक भी पहुंच चुके हैं, ऐसी बात अच्छी बात है और यहाँ देर की तो शानदार चीजें यहाँ इन्होंने लगा रखी है और जिस प्रकार से यहाँ पर आपको यहाँ पे बुरस का फूल का जूस भी मिला जा रहा है यहाँ पर कह रहे हैं कि बुरस का फूल है ये क्या चीज है। उत्तराखंड बाजार है दिल्ली एनसीआर में फ्री होम डिलीवरी। अच्छा है तो भट रया जख्या मुंगरी और पहाड़ी शहर तो पहाड़ी बुरास ये कहाँ से मिलेंगे अगर दिल्ली में अगर कल को ये खंड जाता है सब। अच्छा ये बताइए कल को ये प्रोग्राम खत्म हो जाए उसके बाद कहाँ मिलेगा? फ्री होम डिलीवरी, फ्री होम डिलीवरी तो उत्तराखंड के बाजार में कार्ड ले लीजिए, कार्ड तो हमसे कार्ड ले लेते हैं फिर उसके बाद करते हैं किस प्रकार से होना है तो अपडेट करेंगे। और यहाँ पर आपका फूल दे रहा है छोटू दे रहा है फूल है, क्या नाम है आपका? नहीं नाम बता, देखिए हमने ये ले लिया कार्ड उसको अपडेट कर लिया है इस पर देखिए और चलते हैं किस तरह का हो रहा है और दिखाते हैं एक्टिविटीज और सारी यहाँ पर उत्तराखंड के लोग। दोस्तों अभी आज हम ऐसे कलाकार से यहाँ मिल रहे हैं जो लोधी रोड में आए, सबसे पहले उनके नाम से रूबरू करेंगे। सबसे पहले आपका शुभ नाम? मेरा नाम सुमित मंडराल है, बहुत बहुत आभार आपका। अच्छा सुमित मंडराल जी आज यहाँ पर लोधी रोड में, कहाँ से आप उत्तराखंड से कहाँ से आए? सर मैं उत्तराखंड देहाट से हूँ, अल्मोड़ा जिला है मेरा। अच्छा। और ये जो कार्यक्रम हो रहा है ये मेरे ही ग्रुप के द्वारा हो रहा है, मंडराल सांस्कृतिक कला मंच के द्वारा। अच्छा जी। अच्छा आज अब यहाँ क्या करने वाले कुछ बताएंगे सर? एक्चुअली क्या है कि मैं यहाँ गाने के लिए आया हूँ और ये गुजरात जितना भी ग्रुप है मेरा ये सारा मैनेजमेंट मेरे हाथों
हाथों में हो रहा है और शिबू भाई जी के हाथों में हो रहा है। कौन सा ग्रुप है, किस नाम से कुछ? ये मंडराल सांस्कृतिक कला मंच ग्रुप युवा कलाकारों के द्वारा ग्रुप है मेरे साथ। ये काफी अच्छा कार्य कर रहे हैं, एक ग्रुप इन्होंने बनाया बहुत शानदार। मैं चाहता हूँ कि अगर ये ग्रुप बनाए कि इनके मुख से भी हम दो सुर जरा सुनना चाहते हैं कि उत्तराखंड के हमारे लोग जो हमसे देखेंगे उनको जरा दो अपने गीतों के बारे में। हाँ जी हाँ जी, मैं जरूर एक दो लाइन गाऊंगा। अब एक पुराना गाना है आज का दिना वाला, तो मैं वो गाना आप सभी के बीच में गाता हूँ। आज का दिना तुरोली घर पना, आज का दिना तुरोली घर पना, ओ याद आली तकैनी मेर बिना, ओ याद आली तकैनी मेर बिना। क्या बात है। अच्छा इसमें क्या दर्शक बताया कि आज का दिना मतलब क्या थी, मतलब क्या समझाया, मतलब कुछ बताएगा? मैं आज के दिन में ये हूँ कि दिल्ली में जितने भी हमारे उत्तराखंड के समाज के लोग हैं उन सभी को हम, उनके बच्चे बच्चों को, छोटे मोटे जितने बच्चे उनको हम इस संस्कृति को दिखाना चाहते हैं, क्योंकि हमारी जो धरोहर है उन चीज़ों को हम ला रहे हैं आगे। और ये मंडराल सांस्कृतिक जो कला मंच है ये दिल्ली, पूरी दिल्ली में, ऑल इंडिया में काम कर रहा है। अभी फिलहाल अभी एक देघाट में भी हमारा महोत्सव होने जा रहा है, जिसको मैं अपने ही द्वारा कर रहा हूँ, कुछ दोस्तों के द्वारा मिलकर हम कर रहे हैं, और जल्द ही आप सभी के बीच में वो महोत्सव हम लाने की कोशिश करेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि एक बार आप फिर दोबारा से अपने नाम को रूबरू कराएं सबको। मेरा नाम सुमित मंडराल है, मैं मंडराल सांस्कृतिक कला मंच का निर्देशक हूँ, और जो यहाँ लोधी रोड में आज जो एक भव्य कार्यक्रम हो रहा है ये मेरे ही द्वारा हो रहा है, हमारे मंडराल सांस्कृतिक कला का मंच के द्वारा हो रहा है। अच्छा ये मैं पूछना चाहता हूँ कि जो हमारे अभी यूट्यूब के माध्यम से आपको देख रहे हैं उनको कुछ कहना चाहेंगे क्या? सबसे पहले तो मैं जितने भी हमारे यूट्यूब के दर्शक हैं सभी से मैं निवेदन करता हूँ कि हमारे जो जिस चैनल से हम ये वाइट कर रहे हैं यूके पहाड़ी ब्लॉग को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और आगे इसको वायरल करिए, जितना हो सके देश विदेशों में जितने भी फैलाएं इस चीज को। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद उत्तराखंड। मैं चाहता हूँ जितने भी लोग हमारे उत्तराखंड से जुड़े हैं इनको भी सपोर्ट करो, क्योंकि गायकार संगीतकार तथा के पास एक ग्रुप ने बनाया, ये मुझे बड़े गर्व की बात है। तो ऐसे ही ये करते रहे, हमारे उत्तराखंड का विकास करते रहे, उनको भी सुनिट किया जाता है कि हमारे उत्तराखंड का विकास कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच ब्रदर, आपका बहुत धन्यवाद। ऐसी दादा भूला जो हमारे सबसे परिवार और नमस्कार प्रणाम, थैंक यू सो मच, थैंक यू धन्यवाद। दोस्तों नमस्कार, आज हमारे बीच ऐसी कलाकार हैं जिनकी मैं तारीफ करती कम है, और सबसे पहले आपका शुभ नाम जानना चाहता हूँ। जी नमस्कार, मेरा नाम है अनीता रजवा, मैं देघाट से हूँ, कुमाऊँ क्षेत्र से। देखिए हमारे बीच ऐसी कलाकार हैं जो देघाट का, देघाट से? हाँ जी। देघाट ऐसा गाँव है कि यार वहाँ जाने में बहुत चलता है, वहाँ की सुंदरता भी बहुत है, वहाँ पे मशहूर क्या चीज आप कुछ बताइए जरा? वहाँ पे मशहूर ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन हरदेव अष्टमी का मेला लगता है वहाँ पे, मतलब जाते हैं लोग घूमने के लिए, उसके लिए सारी सुविधाएं हैं देघाट में। गांव का छोटा सा मार्केट है, लेकिन फैसिलिटी ज्यादा तो नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा है देखने में, आओगे एक बार तो तभी पता चलेगा। मैंने तो सुना बहुत अच्छा है कि वहाँ की जो मतलब देखी थी मार्केट बाजार को देखे, मैं चाहता हूँ कि अगर आप गाने गाते वैसे वैसे तो मैं चाहता हूँ कि अगर आप मेरे दर्शन अगर देख रहे हैं तो आप उनको दो लाइन सुना सके तो बड़ी बहुत बढ़िया होता है। देवी देवा वास कनी देव भूमि कोनी, देवी देवा वास कनी देव भूमि कोनी, देव भूमि छोड़ी मेरा चढ़नी लगेनी, देव भूमि छोड़ी मेरा जानी लगे नी, छोड़नी नी लागे नी, हो छोड़नी नी लागे नी। क्या बात है भाई, गीत बहुत सुंदर बजती था, और जितने भी दर्शक से देख रहे हैं प्लीज यार इनको सपोर्ट करो यार, ऐसे कलाकार को उठाना जरूरी है और ये उत्तराखंड को उजागर करें, इसका सबसे बड़ा धन्यवाद इनका बहुत शुक्रिया। अच्छा मैं चाहता हूँ कि हमारे जो वेब के माध्यम से आपको देख रहे हैं कुछ कहना चाहेंगे आप क्या? कि मैं उनसे ही कहूंगी कि ज्यादा से ज्यादा मतलब सुने देखे, अब मेरा चैनल भी है अनीता दुर्वार ऑफिशियल, तो आप एक बार जरूर जाके चैनल पे उस गाने सुने, कमेंट लाइक शेयर जो भी करना कर दीजिए, आपसे यही गुजारिश है कि मतलब हम लोगों को छोटे छोटे कलाकार हैं तो आप ही माध्यम से हम आगे बढ़ेंगे बस। धन्यवाद जी। जो छोटा होता है ना कब बड़ा हो जाए पता नहीं होता है, जब हम कोई पौधा उगाते हैं ना उसको वृक्ष होने में टाइम नहीं लगता है, तो आप पौधे जरूर है लेकिन वृक्ष होने में टाइम लगेगा, बहुत ज्यादा वृक्ष हो जाओगे। मैं ये दुआ करता हूँ आप बहुत अच्छे कलाकार बने और हम अपने फोटोग्राफ लेने इस टाइम आए, अभी चाहे वैसे नहीं ले रहे लेकिन कागज लिए ना, लेकिन आज भी लेकिन उसके मोर में जाएगा जब उसके मोर में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद आप ऐसी गाते रहे और तरह को जाकर। धन्यवाद दोस्तों, वो देख रहे हैं यह है नंदा जी का टोला।
जो सजा हुआ है हमारे दीप चंद्रा जी भैया ने सजा के रखा हुआ है, और ये बहुत बेहतरीन डोला है जो कहते हैं माता देवी का डोला यहाँ रखा हुआ है। और मैं थोड़ा शूट करने आया हूँ यहाँ पर और आपको दिखा दूँ किस प्रकार से यहाँ डोले की तैयारी कर चुके हैं हमारे दीप चंद्रा भैया। और ये माता का यहाँ निवास इसके अंदर है, काफ़ी बेहतरीन है, और मैं थोड़ा सा कैप्चर कर रहा हूँ इसको, इसीलिए दिखा रहा हूँ। जब यहाँ से डोला जाएगा तब और भी बेहतरीन होगा, बहुत शानदार देखने को मिलेगा। यहाँ माता का दरबार जो है पूरा सजा पड़ा है। और चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते, चलते हैं और जिस जगह प्रोग्राम हो रहा है जगह पहुँचते हैं और किस प्रकार से क्या क्या एक्टिविटीज़ हो रही है।